हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल 4K TV AKS में। और जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज का टॉपिक है आप अपनी बाइक को चोरों से कैसे सेफ करें, अपनी बाइक को कैसे प्रोटेक्ट करें अनवांटेड पीपल से, कि आप अपनी बाइक को मतलब कोई आपकी बाइक को छेड़े ना, उससे आप कैसे अपनी बाइक को प्रोटेक्शन करें। और मैं आपने ये भी टाइटल में पढ़ा होगा कि मैंने लिखा है जैसे आप अपनी बाइक को 200 रुपये से भी कम में, कौन सी चीज़ है ऐसी जो आपको 200 रुपये से कम में, वो कौन सा सिक्योरिटी सिस्टम है जो मिल जाता है और आप जिससे आप अपनी बाइक को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, हम जो बाइक खरीदते हैं कभी भी, और वो काफ़ी मतलब मेहनत के पैसों से खरीदते हैं, या आपको कोई भी दिलाता है, पापा या मम्मी या कोई भी आपको, और सब सबके सब मेहनत करते हैं इस दुनिया में, सब पैसे कमाते हैं, उसको फिर खर्च करते हैं। तो यार, जो पैसा कमा रहे हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है। और दोस्तों, वीडियो इसके स्टार्ट होने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है ये उन बाइक्स पे काम नहीं करेगा जिनके फ्रंट डिस्क में, फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक ना हो, ये उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं। और बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं अब आपको वो उस सिक्योरिटी सिस्टम से इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा, वो कौन सी चीज़ है जो आपको की बाइक को प्रोटेक्ट करती है। तो बस, और बस ये है डिस्क ब्रेक लॉक, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे। और दोस्तों, ये पूरा मेटल का बना हुआ है जिसके ऊपर ब्लैक कलर की का पेंट किया गया है, जिसको शाइनी लुक देने के कारण। और ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये कोई भी इसमें प्लास्टिक यूज़ नहीं किया गया है, पूरा मेटल है। और इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं, छोटा सा स्क्रू टाइप का ये देख रहे हैं, ये है आपके डिस्क ब्रेक में ये फंसता है और जिससे डिस्क ब्रेक लॉक हो जाता है। और ये आपकी बाइक का जो टायर है वो मूव नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, किसी भी तरह आपको इससे हेल्प मिले, कोई भी हेल्प मिले, और कंटेंट से जो भी आपको अच्छा लगा हो उसके देखते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि और जो भी लोग इस वीडियो को देखें उनको कुछ हेल्प मिले और जिससे वो अपने बाइक को सेफ करें। और भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं अपने चैनल पे किसकी कभी। और बस, मैं अब आपको इसकी की दिखाता हूँ कैसी है। दोस्तों, इसकी की कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, ये कोई मॉडिफाइड की नहीं है, इसमें कुछ तरह का एक्स्ट्रा कुछ यूज़ नहीं है, ये सिंपल सी एक मेटल की है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसको। और इसके ऊपर एक सिक्योरिटी वार्निंग दी हुई है जैसा कि अब मैं आपको उसको दिखाता हूँ। ये इसका लाल कलर का बैच है और इस पे लिखा है अनलॉक द डिस्क बिफोर स्टार्ट, मतलब कि आप अपनी बाइक को जब स्टार्ट करने जाएं तो इसको अनलॉक ज़रूर करिए, वरना ये आपकी बाइक को हार्म करेगा ही करेगा, आपको भी हार्म करेगा, ये आपको बाइक से गिरा देगा, प्लस ये आपकी बाइक को मे बी तोड़ सकता है, ये आपकी बाइक के शॉकअप्स तोड़ सकता है, ये आपकी बाइक के डिस्क ब्रेक को तोड़ सकता है, क्योंकि आपका डिस्क ब्रेक टूट जाएगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा। ये एक मे बी हाफ के जी से ऊपर इसका वेट है और इसमें ये आप देख रहे होंगे इसका ये लॉक, ये एक नॉर्मल सा लॉक है। और बस, इसमें ज़्यादा कुछ एडिशनल है नहीं। और अब मैं आपको वीडियो में इसको लॉक करके दिखाऊंगा अपनी बाइक जो है पल्सर 200 NS। और चलिए, लेके चलता हूँ मैं आपको अब अपनी बाइक के पास और इसको लॉक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पे मैं आपको इसको फिट करके दिखाऊंगा डिस्क ब्रेक लॉक को। और ये है मेरी पल्सर 200 NS का डिस्क ब्रेक, और ये है हमारे पास हमारा डिस्क ब्रेक, और ये डिस्क ब्रेक लॉक है। और इसको मैंने अभी ओपन किया हुआ है, इसके अंदर के स्क्रू को। अब मैं इसके अंदर इसको पुश कर रहा हूँ। ये जो आप होल्स देख रहे हैं ये बाइक में इसलिए दिए जाते हैं ताकि ये डिस्क ब्रेक लॉक काम करे। तो बस, आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बाइक के इसको पुल करना है जिस भी ये इसमें चला जाए।
और अपनी की को निकाल देनी है, और बस ये इसके अंदर फिट हो गया। और जब ये डिस्क ब्रेक डिस्क घूमेगा बाइक के व्हील के साथ, तो ये यहाँ पे इसका ये जो सॉकअप है ये यहाँ पे आके अड़ जाएगा, जिससे ये टायर आगे घूम नहीं पाएगा। और वैसे मैंने एडिशनल इसके लिए ये भी लगा के रखी है, ये जैसा आप देख रहे होंगे की, ये चेन मोटी सी, क्योंकि मैं अपनी बाइक को बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ। और बस थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ थम्स अप एंड